जी तो व्यूवर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। प्यारे दोस्तों क्या हाल चाल है। प्यारे व्यूवर जी हमारे पास स्कानिया इंजन है, इसकी टाइमिंग शटिंग दिखाएंगे आप लोगों को। जी तो व्यूवर ये स्कानिया हमारे पास है, स्कानिया 299, इसकी टाइमिंग शटिंग करेंगे डीजल पंप की और पूरे इंजन की जो टाइमिंग शटिंग इसकी करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। कभी आप लोग डीजल पंप खोलते हो उसकी टाइमिंग कैसे की जाती है और इंजन बना रहे तो उसकी टाइमिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो का कोई भी हिस्सा बिना स्किप किए पूरी देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो टाइमिंग है वो कैसे की जाती है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्क दिया हुआ है कंपनी का, और ये नीचे भी मार्क है, और ये देखें यहाँ पे भी मार्क है, ये इस पे केएम वाली गरारी पे। लेकिन ये जो डीजल पंप वाला गरारी है इसके ऊपर कोई मार्क नहीं है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं तरीका कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, इस पर मार्क नहीं बना हुआ है डीजल पम्प के ऊपर, तो इसकी टाइमिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। व्यूअर्स फिटिंग जो आप लोग इसकी इसको डीजल पंप लगा के आप लोगों को अगर नहीं पता चल रहा है कि इसकी टाइमिंग कैसे की जाती है, तो इस पर डीजल थोड़ी सी बोतल में थोड़ा सा डीजल डाल के किसी बोतल के अंदर ऐसे जैसे हम लोगों ने डाला है इसको पाइप से कनेक्शन कर देना है, क्लिप टिप पंप मार के डीजल पंप के अंदर डीजल जाना चाहिए। तो जब इसके अंदर डीजल चला जाएगा तो आप लोगों को दिखाते हैं बहुत ही आसानी और ईजी तरीके से इसका जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी जो टाइमिंग है वो किस जगह पर करेक्ट है। देखिए अभी पंप मार रहे हैं, ये देखिए डीजल वापसी वाले पाइप में आ गया, अभी डीजल पंप के अंदर डीजल चला गया है। अब इसको डीजल पंप को घुमाएंगे किसी चीज़ से और फिर उसके बाद में देखते हैं कि डीजल कहाँ से आ रहा है। कुत्ते पीछे ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एक नंबर जो है ये डीजल मार रहा है, थोड़ा घुमाना मैं रिटर्न करूँ। आई वो आया नहीं थे देख, ये देखिए यहाँ पे एक नंबर डीजल मार रहा है डीजल पंप पे। तो ये वाला जो निशान छोटा सा बनाया हुआ है किसी भी के ऊपर जो इसकी टाइमिंग आएगी ये देखें, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसका पता कर सकते हैं कहाँ पे इसकी सेटिंग सीधी होती है। ये देखें व्यूअर्स अब इसकी टाइमिंग जो बिल्कुल ओके है, टाइमिंग के पहले भी हम लोगों ने ओके की थी, सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ इसका दोबारा जो है खोल के दोबारा इसकी टाइमिंग की है ताकि आप लोगों को समझा सकें। इसकी टाइमिंग कर रहे थे, मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो बना के बना देते हैं, चलो किसी भाई का फ़ायदा हो जाएगा। व्यूअर्स ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।